हेलो एवरीवन, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 13 फ्लूइड डायनामिक्स, क्वेश्चन नंबर 24। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 0.5 केजी एंड डेंसिटी 800 केजी पर मीटर क्यूब इज फास्टन टू द फ्री एंड ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 50 न्यूटन पर मीटर फिक्स्ड एट द बॉटम। तो हमारे पास क्या गिवन डेटा है, मास इज 0.5 केजी, डेंसिटी इज 800 केजी पर मीटर क्यूब और इसमें हमने बॉटम में एक स्प्रिंग लगाया है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है 50 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट इज 50 न्यूटन पर मीटर। इफ द एंटायर सिस्टम इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर, कंप्लीटली हमने यहां पर देखेंगे आप फिगर में कंप्लीटली इमर्ज किया है वाटर में एंटायर सिस्टम को, ब्लॉक एंड स्प्रिंग, ये एंटायर सिस्टम इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर। Then you have to find elongation or compression of the spring in equilibrium position. क्या होगा elongation या compression? इसके बाद आपको time period find करना है। तो first case लेते हैं हम elongation और compression। तो अभी हमें ये नहीं पता कि इसमें elongation होगा या compression होगा, तो हम दोनों में से कुछ एक assume कर लेंगे। अगर हमारा positive answer आता है, suppose हमने compression assume किया और हमारा positive answer आता है, इसका मतलब वो compression होगा, और अगर हमारा answer negative आता है, इसका मतलब elongation होगा। तो यहाँ पे हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम चालू करते हैं, पहले मास और डेंसिटी से वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी, मास इज 0.5 एंड डेंसिटी इज 800, ये आप कैंसिल करेंगे, वॉल्यूम इज 1/1600 मीटर क्यूब। अब हम यहाँ पर इलॉन्गेशन और कंप्रेशन में से एक एज्यूम कर लेते हैं, लेट देयर बी कंप्रेशन ऑफ एक्स मीटर, राइट। अब देखेंगे अगर हमने इसको कंप्लीटली इमर्स किया तो यहां पर फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं। एक तो होगा बॉयंट फोर्स एफ बी एक्टिंग अपवर्ड्स बिकॉज इट इज इमर्स्ड इन वॉटर, एक एमजी फोर्स डाउनवर्ड, इसके साथ में यहां पर स्प्रिंग है, इसकी वजह से यहां पर एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा। अब यहां आपने लिया है कंप्रेशन, कंप्रेशन अगर हम ऐसे कर रहे हैं, कंप्रेशन हो रहा है स्प्रिंग में, अगर कंप्रेशन हो रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स कैसे लगेगा, अपवर्ड। तो रीस्टोरिंग फोर्स kx, रीस्टोरिंग फोर्स आपको पता है पहले से, रीस्टोरिंग फोर्स kx होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास फोर्सेस के डायरेक्शंस हैं, तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशंस हम इक्वेट करते हैं, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन अपवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड में यहां पर क्या है, स्प्रिंग फोर्स और बॉयंट फोर्स, बॉइंट फोर्स प्लस स्प्रिंग फोर्स, एंड डाउनवर्ड में है mg, बस अब वैल्यूज पुट करनी है। अब थ्रस्ट इज रो vg प्लस kx इक्वल टू मास, अभी वैल्यूज पुट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, चलिए अब करते हैं वैल्यूज पुट। डेंसिटी, यहां पर डेंसिटी किसकी लेते हैं, वाटर की, जिसमें आपने इसको ब्लॉक को रखा हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर, और v होता है वॉल्यूम ऑफ इमर्स पार्ट, यहां पर तो पूरा ही पार्ट इमर्ज्ड है तो वॉल्यूम हम यहां निकाल चुके हैं, उसको पुट करेंगे, जी आपको पता है, बाकी सारी वैल्यूज लेते हैं। अब यहां पे यूनिट क्या लेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि यहां पर सब ऐसा यूनिट्स में दिया है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 केजी पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट, वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं 1/1600 इंटू जी, राइट, प्लस के स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट के इज 50x इक्वल टू एम, मास किसका मास है यहां पर, वेट ऑफ द सॉलिड, वेट ऑफ द सॉलिड, सॉलिड यहां पर है ब्लॉक और ब्लॉक का वेट है mg, तो मास गिवन है 0.5 एंड g इज 10, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 100/16 प्लस 50x इक्वल टू 5, सो 50x विल बी 5 माइनस 25/4, दैट मीन्स ये हो गया -5/4 और इसको आप सॉल्व करेंगे तो -2.5 सेंटीमीटर। देखेंगे यहां पर हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यहां पर कंप्रेशन नहीं था, इलॉन्गेशन था, तो हमारा आंसर होना चाहिए देयरफॉर देयर विल बी इलॉन्गेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। अब हम देखते हैं टाइम पीरियड ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशंस,
अब देखें आप, ये जब इलोंगेशन हुआ इसमें, तो इसके बाद यहां पर वर्टिकल ऑसिलेशंस होंगे, SHM होगा, और उसमें SHM में टाइम पीरियड क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए ये ब्लॉक पहले से पानी में फुल्ली इमर्स्ड है, तो जब ये पहले से इमर्स्ड है तो इसमें बॉयंट फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, Mg में कोई चेंज नहीं आएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स Kx इज ड्यू टू स्प्रिंग ओनली, और यही ड्राइविंग फोर्स होगा, Kx इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर SHM। तो स्प्रिंग की वजह से यहां पर SHM हो रहा है, तो स्प्रिंग की वजह से जब SHM होता है तो टाइम पीरियड होता है 2π√ over m/k। वैल्यूज लेंगे हम, मास इज 0.5 kg एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इज 50 N। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2π√ over 1/100, दैट मीन्स 2π/10 या π/5 seconds। तो ये है टाइम पीरियड ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशंस। Okay, thank you.